नहीं, पर पोहा जलेबी क्या होता है ये? मतलब अगर भाई इंदौर से कोई देख रहा है तो यहाँ पे ना इंदौर में एक स्पेशलिटी है। ये वाले घर में मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद आया हूँ। दिस बोनसाई इज 25 इयर्स ओल्ड। मां गरम कुकीज फ्रेश आउट ऑफ द ओवन। हर जगह ना पोपट हो रहा है। Ladies and gentlemen, boys and girls, a very good morning. How's everyone doing? Opening absolutely fine. यार होली यहाँ की कुछ खास नहीं बनी क्योंकि एकदम खाली खाली था, ज़्यादा कुछ सीन किया नहीं उन्होंने। मैं और प्रियंका थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए गए सुबह सुबह, काफ़ी ढूंढा, सारी दुकानें बंद थी और एक जगह में मिली। दिन हमारा काफ़ी लेट चालू है, 12 बज रहे और 12 बजे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वी आर एट 56। 56 में कहाँ है? 56 में मधुरम में है। क्या दिन आ रहा है? कोई होली पार्टी नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूँ। अभी 56 पे खा के हो गया। 56 पूरा बंद था क्योंकि शटर लगे थे, पर वो मधुरम के पीछे साइड पे पूरा उन्होंने खोल के रखा था। बहुत ही बढ़िया मस्त एकदम। पहले खाया पोहा, फिर खाया कचौरी, फिर खाया जलेबी। देखो आज तक ना पोहा जलेबी, ये पोहा जलेबी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब पोहे के साथ साथ जलेबी क्यों खाते लोग? पोहे और जलेबी, पोहे के साथ साथ जलेबी, मतलब एक टेस्ट का वो कंट्रास्ट नहीं हो गया एकदम? हाँ तो पोहा नमकीन हो गया, नमकीन के बाद मीठा। पोहा नहीं, पर पोहा जलेबी क्या होता है ये? मतलब अगर भाई इंदौर से कोई देख रहा है तो मेरे को प्लीज समझाओ, ये पोहा और जलेबी ये दो अलग अलग चीज है, ये दोनों साथ में कैसे खा लेते हैं लोग? मतलब साथ में ये डिश है, डिश ऐसी मिलती है ना, पोहा जलेबी लोग बोलते भी है पोहा जलेबी। हाँ पोहा जलेबी बोलते हैं और ऐसा नहीं जरूरी नहीं साथ में मिलती है, बट या मैंने अलग अलग खाई है। मैंने काफी जगह पे देखा है पोहा, पोहे और पोहे को प्याज और जीरा और साइड में जलेबी होती है। right. और भाई ये यहाँ पे ना इंदौर में एक स्पेशलिटी है, आनंद बाजार में नेकी की दीवार बनाई गई है जिसमें लोग अपने पुराने कपड़े, जूते, जो भी चीज है जो उनके काम की नहीं है वो वहाँ पे रख देते हैं और फिर जरूरतमंद लोग आकर के उसे ले लेते हैं। थोड़ा कुछ खाया, फिर वापस घर आए और घर पे थोड़ा सा गेट टुगेदर था, शाम को अच्छी खासी पार्टी हो गई। अभी मैं सुबह निकल रहा हूँ भोपाल के लिए। That's the bus. इंदौर और भोपाल के बीच में कहीं पर तो रुकी है, 10 मिनट ब्रेक, और ब्रेक में सुबह से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी। आई थिंक 11:30-12 तक भोपाल पहुँचाऊंगा। वैसे इंदौर भोपाल के बीच का सिस्टम बहुत अच्छा है, लाइक देयर आर दीज चार्टर्ड बसेस और एवरी हाफ एन आवर में बस है। रास्ता मतलब इतना सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा कुछ कहीं पर टर्न वन कुछ नहीं है एंड वेरी कन्वीनियंट। प्राइस ऑफ द टिकट इज़ व्हाट? 450-475। एक बस से सिटी के अंदर आने के बाद दूसरी बस में, क्योंकि बड़ी बस सिटी के अंदर अलाउड नहीं है। टाइम आई थिंक सुबह 9 बजे के बाद बड़ी बस सिटी के अंदर अलाउड नहीं होती, तो बड़ी बस में से छोटी बस में निकाल देते हैं। तो वो करके अभी ISBT पहुँचा हूँ, मेन बस स्टैंड। ऊबर ऑटो आ रहा है अपना, क्या बात है, रिक्शा तो चमक रही है आपकी सर। चार बज रहे ऑलमोस्ट, और हाँ ठोक लो भाई, मैं और कंस्ट्रक्शन, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं यहाँ पर आई थिंक 12:30 तक यहाँ पर घर पे पहुँच गया था। यहाँ पर भी इंदौर से कम धूप नहीं है, इंदौर जितनी धूप है। मैं यहाँ पे एक्चुअली ना ये वाले घर में, मेरी मासी रहती है यहाँ पे, ये वाले घर में मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद आया हूँ। 6 साल तो हो गए, 5-6 साल तो हो गए आराम से। तो आके फिर बातचीत, टाइम पास, थोड़ा यहाँ वहाँ की बातें, पुरानी बातें, सब बात बात करके हो गया। अब जाके ऐसे फ्री हो गया हूँ कॉफ़ी पी, और अब आपको दिखाता हूँ मैं गार्डन, क्योंकि यहाँ का जो गार्डन है, घर नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है, अगेन प्राइवेसी, ठीक है, मेंटेन दैट डिस्टेंस, वी मेंटेन दैट स्पेस, पर गार्डन इज समथिंग दैट आई कैन शो यू, इट इज़ वर्थ सी। रानी
भाई ये तो हो गया यहाँ के नीचे का ग्राउंड फ्लोर का कलेक्शन, ठीक है, वहाँ से लेके ऐसा वहाँ तक। और ये पॉन्ड है, बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे। ये तो यहाँ के नीचे का कलेक्शन हो गया, ये तो नीचे का बीरोल देखा आपने। अब आपको दिखाता हूँ बीरोल ऊपर का। ऊपर है भाई, ऊपर बॉन्साइज है, और ऐसा बॉन्साइज मतलब मैंने जैसे बोला मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, ये कलेक्शन मैंने कभी देखा नहीं ऐसा, इतना सिस्टमैटिक, इतना अच्छा कलेक्शन। बहुत टाइम बाद कहीं पे इतना बड़ा बॉन्साइज का कलेक्शन देख रहा हूँ मैं पर्सनल लेवल पे। मतलब ऑफकोर्स नर्सरीज लगती हैं, दुकानें होती है, ये कलेक्शन अपने घर का कलेक्शन है। स्ट्रॉबेरीज देखी आपने? स्ट्रॉबेरी लगी है भाई। Is 25 years old. मतलब can't even, I don't have words to explain how beautiful this looks. इसके ये exactly मेरे को नाम याद नहीं है, और बाकी आप दूसरा कलेक्शन तो देख ही रहे हो, एक से बढ़कर एक मतलब जिसमें एक से बढ़कर एक बॉन्साई है यहाँ पे, जेड का बॉन्साई है, 20 साल 20 years. आई थिंक यहाँ पे 70% प्लांट्स यहाँ पे 20 साल पुराने, 15 से 20 साल। मेरे चैनल पे जो जो लोग को प्लांट्स पसंद है, इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, वो सब लोग ऐसे खुश हो गए रहेंगे ना आज। पहले गार्डन दिखा है सामने वाला, दूसरा आपको दिखा है बोनसाई कलेक्शन, तीसरा वाला में क्या है, तीसरा ये है बैकयार्ड, मतलब पीछे से पैसेज में से जा रहा है, जैसा ये जंगल जैसा दिख रहा है ना, ये नीचे से दिखाता हूँ आपको। गार्डन इतना बढ़ेगा कि घर के अंदर आने को हो रहा है, और ऐसे ये आप घर के अंदर ऐसे मलबेरी उग रही है, और मलबेरी आप ऐसे तोड़ के खा सकते हो बिंदास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे को मलबेरी से एलर्जी है इसलिए मैं नहीं खा सकता। The next morning. गरम कुकीज फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, चॉकलेट काजू भाई सही है, टेस्टी है। हाँ, ब्रांड का मालिक पुष्कर इसको अपने पहले मसूरी वाले वीडियोस में देखा, मसूरी कानाताल मसूरी वाला जो वीडियो है। हाँ, क्या बोले? कंपनी से नाम उल्टा है देखो। हाँ, तो भाई कुकीज भोपाल में अवेलेबल है हाई टी के नाम से डब्बा दिखा दो, मुझे डब्बा दिखाओ। द ब्रांड नेम हाई टी बेसन बादाम नान खटाई। ये है अराउंड 18-20 फ्लेवर्स लाइक दिस। तो हाई टी के नाम से भोपाल में है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन नॉट येट बट वी विल सून हैव इट। इसको मैं कम से कम मैं एक साल से बोल रहा हूँ ऑनलाइन ना, बट ठीक है ऑनलाइन अवेलेबल है। मोबाइल में जो लोग हैं भाई जाके देख लो, दुकानों में मिल रही है, मिलो खा लो। जहाँ पर इसके बिस्किट बनते हैं वहाँ पर घर ऑफिस और फैक्ट्री के बीच में एक बड़ा सा पॉन्ड है, जिसमें पता नहीं कम से कम 50-100 कमल के फूल लगे हुए हैं। अभी फिलहाल क्या समर का टाइम है तो पानी थोड़ा नीचे ना, तो पानी पूरा यहाँ तक ये रिम तक भरा होता है। ये पॉइंट के अंदर दुनिया भर के सांप, बड़ी बड़ी मछलियाँ, टर्टल्स सब है। मतलब अभी गर्म है इसलिए दिखेगा नहीं, बट देयर इज प्रॉब्ली एवरीथिंग, लाइक ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है पॉइंट के अंदर। एंड बारिश के टाइम पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अभी तो सूखा पड़ा है। वेरी ग्रैंड, अरे क्या चाहिए देखो, व्हाट यू वांट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
मैं वहां था इससे पहले। फ्रेशली बेक्ड रेड टू गो ये लेके जाऊंगा बॉम्बे, वहां पे जाके खाऊंगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम लोग उधर के फैक्ट्री आए थे, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अरे यार सोचो ना, अपने सामने सामने तुम्हारी कुकीज बन रही है, it's so interesting to watch. She bagging the bugging and I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma keep all of my people a portion to build them a fortune, I'm flipping the pie. I can't be mixing when iffy the pie. We are at Amar Bakery Hut, Bombay में Amar Juice Center है। सालों पहले जब मैं यहाँ पे आता था तब यहाँ पर एक burger बहुत famous था जो मैं खाता था और मेरे को पसंद आता था। Now I've come here after years and we're gonna try the burger. Let's see if the taste is the same. No. How's your burger? Veg is good. Veg is good. मैं chicken try कर रहा हूँ, तभी मैं chicken यहाँ पर नहीं try करता, veg खा दूँगा। Thank you. Wow. Pizza is good. I've had better. You've had better, right? I've had better. मतलब चीज छः सात साल पहले का जो खाया हुआ है उसके हिसाब से तो मतलब ठीक है, बट 5.5 on 10 ओके। लोग अभी मॉल में आए हैं, डीबी मॉल, बर्गर से पेट भरा नहीं तो पेट नहीं भरा, सेटिस्फैक्शन में नहीं हुआ, मतलब बिलो एवरेज था बर्गर। तो मैं डीबी मॉल आया यहाँ पर डिजर्ट खाने। भाई जो चीज़ डीबी मॉल में खाने के लिए आया है वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, हर जगह ना पोपट हो रहा है। ये मॉल से व्यू देखो, check out problems on problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them, I run through the money, depression be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling, falling progression, it's all that I want. भाई कल रात को फाइनली इतना भटकने के बाद यहाँ वहाँ जाने के बाद नेचुरल्स गए, आइसक्रीम उठाया, घर आके आइसक्रीम खाया और सो गए। नेचुरल्स का आइसक्रीम अच्छा था थैंकफुली। और या मैन दिस वीडियो कम्स टू एन एंड, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तीन दिन का वीडियो है, ठीक है, एक दिन इंदौर का, दो दिन भोपाल के, और आज ये वीडियो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड, मेक श्योर यू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून अगले एपिसोड में। ठीक है, टेक इट ईजी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी सेफ। आज वापस इंदौर जा रहा हूँ तो जुड़े रहिए इंदौर का, और नेक्स्ट वीडियो इंदौर। बर्ड ने नेस्ट डाल के रखा है अंदर, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पिजन।